यानी सिडेटिव और हिप्नोटिक्स के अंदर हमारी एक मेजर ड्रग हो गई थी बारबिट्यूरेट्स, और ये सेकेंड ड्रग है बेंजोडाइजेपिन्स। तो इस क्लास में ये दो ड्रग्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि बारबिट्यूरेट्स भी और बेंजोडाइजेपिन्स भी। तो थ्योरी में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जो है आप तैयार करें, इन दोनों को, बोथ ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट। इन दोनों पे ही 20-20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बाकी लेआउट और पैटर्न वही है जो मैंने आपको बताया है, उसी तरह से आपने करना है इसको अटेम्प्ट, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब तक जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हुए हैं आप उनको कंप्लीट कर लें। हो सकता है ये अब लास्ट हो या सेकंड लास्ट टॉपिक हो, ठीक है, मेरे पास जो है। तो आप लोग, ताकि आप लोगों को फिर बाद में कोई इसमें कन्फ्यूजन या मुश्किल ना हो, तो अभी आप देख लें, पिछले टॉपिक्स भी देख लें, कहीं पे कोई एम्बिग्विटी है तो आप लोग उसको क्लियर कर लें। तो बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स जो है इसका नाम आप पहले समझें। तो इसमें क्या है, दो चीजें, एक तो बेंजो, ठीक है, और दूसरा डाइएजेपिन्स, ठीक है। बेंजो मींस के उसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद है, ठीक है। अब डाइएजेपिन जो है ये आपके लिए नई चीज है कि डाइएजेपिन क्या है, ठीक है। तो डाइएजेपिन्स जो है, डाइएजेपिन ये 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, ठीक है। क्या होती है, 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर डाइएजेपिन का क्या, डाइएज, ठीक है, ये जो वर्ड है डाइएजो, डाइएजो मींस कि उसके, आपको पता है कि जहां पे भी नाइट्रोजन होता है वहां पे हम क्या उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, एजो, ठीक है। तो डाइएजो मींस कि उसके अंदर दो नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है। अब वो जो दो नाइट्रोजन मौजूद हैं उनकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दैट माइट, अब 7 मेंबर्ड रिंग है ना, तो वो 1-2 पोजीशन पे भी हो सकता है रिंग के अंदर, ठीक है, या फिर 1-3 के ऊपर हो सकता है, या फिर 1-4 के ऊपर हो सकता है, ठीक है। ये मतलब उसके डेजिग्नेटेड पोजीशंस हैं जिनके ऊपर हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं, नाइट्रोजन के दो एटम्स, ठीक है। या तो वो पोजीशन 1-2 के ऊपर हो सकता है, या पोजीशन 1-3 के ऊपर हो सकता है, या पोजीशन 1-4 के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो बेंजोडाइएजेपिन्स जो हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन की पोजीशन है दैट इज 1-4, ठीक है। तो इस वजह से हम बेंजोडाइएजेपिन्स को 1-4 डाइएजेपिन्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है के पोजीशन 1-4 के ऊपर जो है वो नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, 1-4 बेंजो डायजेपिन्स, ठीक है। तो क्लियर है कि क्या है, हमारे पास बेंजीन रिंग है एक और दूसरा डायजेपिन रिंग है। बेंजीन आपको पता है कि ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन होती है उसके अंदर, दोनों का एक ही मतलब है। और डायजेपिन रिंग है जो कि 7 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और उसके अंदर दो नाइट्रोजन है, उनकी पोजीशन क्या हो सकती है, 1-3 हो सकती है, 1-2 हो सकती है, या 1-4 हो सकती है, ठीक। तो बेंजोडायजेपिन्स में उसकी पोजीशन क्या है, दैट इज 1-4। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं कि 1-4 बेंजोडायजेपिन्स। बाकी उसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होते हैं, पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं फिर उसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है बेंजोडायजेपिन्स का। तो जितने भी बेंजोडायजेपिन्स हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, मैं इसके ऊपर लेबलिंग करती जाती हूँ ताकि उससे आपको क्लियर होता जाए कि कौन कौन से रिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बेंजीन रिंग है 6 मेंबर्ड, और इसको हम नाम देते हैं रिंग ए का, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिंग्स, ताकि आपको समझ आ जाए, पता चल जाए कि मैं किस रिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये रिंग बी है, दिस रिंग बी जो है जिसको मैं बी लेबल कर रही हूँ, दिस इज डायजेपिन रिंग, ठीक है। एंड रिंग सी, दिस इज ऑल्सो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग, ठीक है, या बेंजीन रिंग आप उसको कह सकते हैं। तो जितने भी डायजेपेन्स हैं दे हैव बेंजीन रिंग अटैच टू द
डायजेपिन रिंग, ये जो हमने ब्लू में सर्कल किया हुआ है जिसको, ये टोटल जो है दिस इज बेंजोडायजेपिन। या अगर मैं उसको दोबारा से सर्कल करूँ, ये रेड सर्कल के साथ आप मेरे साथ फॉलो करते जाएं, तो ये जो है जिसको मैं रेड सर्कल कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज एज अ होल जो है डायजेपिन, बेंजोडायजेपिन। ये जो पूरी रिंग है दिस इज बेंजो डायजेपीन रिंग। अब इसमें क्या है कि ये जो जिसको मैंने रिंग ए किया है, ठीक है, और या फिर अगर आप ओरिजिनल स्लाइड का कलर देखें तो जिसका कलर ग्रीन है, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग। ठीक है, अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आपके लिए उसको ड्रॉ करना और उसकी नेमिंग और लेबलिंग करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो रिंग ए जो है दैट इज बेंजीन रिंग, ठीक है, और रिंग बी जो है, रिंग बी इज डायजेपीन रिंग। तो इसमें हम देखते हैं कि किस पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो दिस इज पोजीशन वन, ठीक है, दिस इज पोजीशन टू, जहाँ पे कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज पोजीशन थ्री एंड दिस वन इज फोर पोजीशन। ठीक है, अब मैंने आपको लेबलिंग करके इसका बता दिया, तो अब आप अगर देखें तो पोजीशन वन और जो उसकी पोजीशन टू है, ये आप देखें, ये पोजीशन वन होगी हमारे पास और ये पोजीशन फोर होगी। तो आप देखें कि पोजीशन वन और पोजीशन फोर के ऊपर हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देंगे रिंग बी को, वन फोर, ठीक है, आ गया वही डायजेपीन। ठीक है, ठीक है जनाब, तो क्लियर है यहाँ तक कि हमने किस तरह से उसके अंदर कौन कौन से रिंग्स प्रेजेंट हैं उनको उसी तरह से डिस्कस कर लेना। तो रिंग ए जो है, रिंग ए एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, रिंग बी जो है ये हेट्रोसाइक्लिक या सेवन मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो पोजीशन वन और पोजीशन फोर के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हम इसको कहते हैं कि वन फोर डायजेपीन, या हम जो ओवरऑल बेंजो डायजेपीन्स हैं इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दीज आर वन फोर डायजेपीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्राइब करने का तरीका होता है कि आप उसको किसी भी तरीके से, बात एक ही है, बाकी आपका अपना स्टाइल है कि आप उसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज वन फोर डायजेपिन डेरिवेटिव के जो बेंजोडायजेपिन्स है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं कि यहाँ पे हमारे पास जो है पोजीशन सी के ऊपर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, तो टोटल ये हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर तीन रिंग्स प्रेजेंट है, यानी रिंग ए हो गया, रिंग बी हो गया और रिंग सी हो गया। ठीक है, तो ये इसके टोटल, और इसी पॉइंट ऑफ, यहाँ पे ही आपको समझ आ गई, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेम लाइक वाइज हम इसका एसएआर भी डिस्कस करेंगे कि रिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम पहले डिस्कस करेंगे कि रिंग ए है ये क्या है, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें किसी और हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ तो उससे क्या इस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, फिर हम रिंग बी को डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर जितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने ग्रुप प्रेजेंट हैं, जितनी पोजीशंस हैं उनको डिस्कस कर, आपको पता है कि ये सारा मतलब इस तरह से हम उसके एसएआर को डिस्कस कर, तो टोटल जो इसका एसएआर है वो हम इन्हीं तीन रिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक उसका जो स्ट्रक्चर है बेंजोडायजेपिन्स का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको समझाने का बेसिक मकसद ही ये है कि ताकि आप उसके ऐसे आर को, आपको याद ना करना पड़े, आप खुद ही स्ट्रक्चर को देख के आपको समझ, आप खुद ही अपने माइंड से उस स्ट्रक्चर को जो है वो उसको करें कि आपको स्ट्रक्चर देख के उसका समझ आ जाए कि इसको किस तरह से आपने डिस्क्राइब करना है टोटल इसके ऐसे आर। ठीक है, तो चूंकि 20 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसको हमने फिर मार्क्स को भी तो जस्टिफाई करना है ना उसके आंसर की लेंथ से। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं इस पे के बेंजोडायजेपिन्स पे इसकी कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर कौन कौन से किस किस तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, तो बेंजोडायजेपिन्स में ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये तो मैंने आपको बता दिया,
ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया आपके साथ, ये तो मैंने आपको बता दिया ठीक है कि इसमें किस तरह से पोजीशंस है, किस तरह से लिंक्स है ठीक है, और उसकी लेबलिंग किस तरह से हम करते हैं। आपको पता है कि हम ये जो इसके ज्वाइनिंग पॉइंट होता है ठीक है, उसकी उसके कोई एस सच उसके जो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है उसके ऊपर एस सच इफेक्ट नहीं होता, इस वजह से हम इसको लेबल नहीं करते। इसकी सारे सिर्फ इम्पोर्टेंस ये होती है कि जब तक ये दोनों ज्वाइंट हैं तब तक वो ड्रग का नाम वही है, लेकिन अगर हम सेपरेट कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन को सेपरेट कर दें फ्रॉम डायाजेपिन, यानी रिंग एक और रिंग बी से सेपरेट कर दें, तो वो सेपरेट सेपरेट रिंग बन जाएंगी और उसकी यानी रिंग ए की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो बेंजीन की है, बेंजीन ग्रुप की है, और बी की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो डायाजेपिन की ग्रुप, ठीक है। तो बेंजोडायजेपिन ड्रग तभी बनेगी जब ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे। तो हम ज्वाइनिंग जो होती है उसको लेबलिंग नहीं करते ठीक है। तो आप लेबलिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से वन ठीक है, पोजीशन टू के ऊपर जो है वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है, ये पोजीशन थ्री होगी, ये पोजीशन फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, और ये जो रिंग सी है, रिंग ये दोनों तो एक एक ही रिंग, आप इनको समझे, क्योंकि हम इनको क्या कह रहे हैं कि बेंजो डायजेपीन हम इनको कह रहे हैं, तो इस वजह से ये तो एक ही रिंग हो गई ठीक है। उसके बाद जो है इसके साथ सब्स्टिट्यूशन होती है रिंग सी की ठीक है, तो इस वजह से रिंग सी की लेबलिंग डिफरेंट है क्योंकि ये उसके साथ आके अटैच हुआ है, बेंजो डायजेपीन रिंग के साथ ये जो रिंग सी है ये एक एडिशनल रिंग है, इस वजह से इसकी लेबलिंग हम इंडिपेंडेंटली करेंगे ठीक है। तो उसी तरह से इसके वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स पोजीशंस ठीक है, तो इस तरह से आपने इसकी नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे आ जाएं कि किस किस पोजीशन के ऊपर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। पोजीशन वन के ऊपर आर वन ठीक है, पोजीशन टू के ऊपर आर टू आप उसको लेबल कर दें, और इधर जो है वो एरोमेटिक रिंग की पोजीशन टू के ऊपर ठीक है, और इधर पोजीशन सेवन के ऊपर ठीक है, बेंजीन की पोजीशन सेवन जो बेंजोडायजेपिन के अंदर बेंजो, तो ये टोटल इसकी जो चार पोजीशंस हैं दीज आर इम्पोर्टेंट ठीक है। तो इन्हीं के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका ऐसे आर डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से आपको पता है कि बेंजोडायजेपिन जो है वो तो एक पूरी क्लास का नाम है ना, उसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स हैं ठीक है, तो वो ड्रग्स किस तरह से हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इन चार पोजीशंस के सब्स्टिट्यूएंट्स का है ठीक है, कि इनके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को अटैच करते जाएंगे, उससे उस स्ट्रक्चर के जो है वो उसमें चेंजिंग आती जाएगी। और इसी तरह से आपको बताया कि अगर मोलेकुलर स्ट्रक्चर के अंदर हम चेंजिंग करते हैं तो उससे हमारे जो है थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट आता है, और बेसिकली यही उसका एसएआर होता है ठीक है। तो ये चार पोजिशंस, दीज फोर पोजिशंस आर क्रूशल ठीक है, और इन्हीं को ही हम जो है वो उसके एसएआर में भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए आप कि हमारे पास क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आपकी आसानी के लिए कि आपको उसके ऊपर पोजीशंस के ऊपर ग्रुप्स को याद करने में आसानी रही, यानी कहने का मतलब ये है कि आपने स्ट्रक्चर एक ही ड्रॉ करना है ये वाला ठीक है, उसके ऊपर आप डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट पेपर में जब आपने अटेम्प्ट करना है तो आप डिफरेंट जैसे डायजेपैम का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं पेपर के अंदर, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आर वन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आके अटैच होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है हमारे पास ठीक है, आर टू के ऊपर हमारे पास डायजेपैम के केस में हाइड्रोजन है ठीक है, और आर थ्री के ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन है ठीक है, और आर फोर के ऊपर अगर आप आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो विदड्रॉइंग ग्रुप या कोई भी हेलोजन है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उनके अंदर जो है वो डायुरेटिक्स में भी हमने यही देखा था कि क्लोरीन प्रेजेंट होता है, यानी अगर आप उसके पीरियोडिक टेबल के ऊपर जाए तो सबसे पहले फ्लोरीन ठीक है, फिर क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फ्लोरीन बहुत विग्रस रिएक्शन देता है ठीक है, उसके रिएक्शन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है ठीक है, और अगर आप इसी तरह पीरियोडिक टेबल में नीचे आ जाएं आयोडीन के ऊपर तो वो बहुत स्लो रिएक्शन देता है ठीक है, उसके लिए भी हमें कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं तो हम उसको भी प्रेफर नहीं करते ठीक। तो इस वजह से हम जब भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की बात होती है तो उसमें फिर जो फेवरेबल मोस्ट फेवरेबल ग्रुप जो होता है दैट इज क्लोरीन, तो इस वजह से आप देखेंगे कि डिफरेंट जो है उनके अंदर ग्रुप्स के अंदर
क्लोरीन ही प्रेजेंट होता है एज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ठीक, तो ये पोजीशन, दिस पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पोजीशन 7. तो ये हमारे पास बन गया डायाजेपैम. तो पेपर में जब आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आपने हार्ड ड्रग के, आपको पता है कि उसका स्केल्टन तो एक ही है ना, बेंजोडायाजेपिन का स्केल्टन तो एक ही है. आपने सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ग्रुप्स की पोजीशंस को याद करना है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा है. तो ये जो मैंने आपको पूरा एक स्ट्रक्चर इसके ऊपर लेबलिंग करके दी है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, डायाजेपैम. अब है हमारे पास फ्लोरेजेपैम. ठीक, फ्लोरेजेपैम में क्या फर्क है और डायाजेपैम में क्या फर्क है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन 3 के ऊपर यहाँ पे. ठीक है, कि यानी हमारे पास जो है पोजीशन 3 के ऊपर हमारे पास R3 पे क्या आके अटैच हो जाता है, अगर हमारे पास फ्लोरीन आके अटैच हो जाता है. ठीक है, ठीक है. तो ये आप देखें, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चेंज गया ये आके, कि यहाँ पे R3 के ऊपर आके सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन अटैच हो गया. बाकी ग्रुप्स और उनकी जो है वो नंबरिंग सेम है. ठीक है, तो सिर्फ एक ग्रुप अटैच, एक जो है वो सब्स्टिट्यूशन की वजह से वो क्या बन गया, फ्लोटो रेजिपैम. ठीक है, तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ इसमें उसकी ग्रुप्स की जो है आपने उसको सब्स्टिट्यूशन करनी है, और उसकी वजह से हमारे पास जो है वो ड्रग डिफरेंट बन जाती है. इसी तरह नाइट्रेजिपैम, ठीक है, और क्लोरनेजिपैम. तो नाइट्रेजिपैम में क्या है कि पोजीशन 4 के ऊपर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप, वो और वो उसके नाम से भी इंडिकेटर हो रहा है कि उसके अंदर जो है वो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है. तो इस तरह से अगर आप इन जो है वो ग्रुप्स, जो ड्रग्स है उसके अंदर, ठीक है, उन ड्रग्स को इसी तरह से, इस ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है, इस तरह से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है. ठीक है, और आपका जो है वो ड्रग, एक तो आपके क्वेश्चन की लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, दूसरा उसे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है. तो आप इस तरह से इनको याद कर लीजिएगा. अच्छा, ये तो हो गया कि सिंपल जो हमारी बेंजोडाइजिपिन रिंग है उसके ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन की और उससे हमारे पास ये मतलब ग्रुप्स बने. ठीक है, और ये ड्रग्स आई. आपको पता है कि अगर हम फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो इन ड्रग्स की डिफरेंट जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. ठीक है, और वो किस वजह से है, वो सिर्फ और सिर्फ इन ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूशन की वजह से. ठीक है, अच्छा, आगे हम अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं अपनी जो डायाजिपिन रिंग है उसके ऊपर. ठीक है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन आपने करनी है, कि आपने उसके ऊपर जो है वो ट्रायाजोल रिंग ऐड कर दें. ठीक है, या अमीडाजोल रिंग. ठीक है, ये जो आपके पास रिंग है, दिस वन. ठीक है, तो अगर आप इस रिंग को ऐड अप कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि डिफरेंट ड्रग्स बनती हैं. फॉर एग्जांपल एस्ट्राजोलम, ठीक है, अल्प्राजोलम, ट्रायाजोलम एंड मिटाजोलम. ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ इस रिंग की वजह से. और इसको हम आगे एस ए आर के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि इसके क्या इम्पोर्टेंस है उसके अंदर. और इस रिंग को अटैच करने से हमारी जो है थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें हम इसके एस ए आर के अंदर डिस्कस करेंगे. अच्छा, उसके बाद क्या है कि उसमें जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है हर एक बेंजोडायजेपिन का, वो किस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक तो उसकी हाफ लाइफ, ठीक है, और दूसरा उसका मेटाबॉलिक फेट. और ये दोनों चीजें किस पे डिपेंड कर रही होती हैं, कि उसके ऊपर कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और किस जो है वो ओरिएंटेशन में. इसमें जो बेंजोडायजेपिन्स हैं इनके केस में, इसके स्ट्रक्चर में उनकी ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन से ग्रुप किस पोजीशन के ऊपर और किस तरह से प्रेजेंट है, कि वो उसके ऊपर एक्टिविटी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या, उसका तकरीबन सिमिलर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कि क्या इनहिबिटरी इफेक्ट शो करना है. ठीक है, यानी सिडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट शो करना है, या एंक्सियोलेटिक इफेक्ट. ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि गाबा रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे और उसमें क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर देंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो हमारे पास सब यूनिट्स होते हैं इसके अंदर, गाबा रिसेप्टर्स के अंदर. ठीक है, यानी α1 α2 हो सकते हैं, α3, ठीक है, एंड α5. तो ये जो चार पोजीशंस होती हैं, दीज आर फेवरेबल फॉर
बेंजोडायज़पीन, ये आगे हम उसके एसएआर में भी डिस्कस करेंगे कि ये जो इसके ऊपर हिस्ट्री, ये जो चार उसके सब यूनिट्स हैं गाबा रिसेप्टर के, यानी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 5, ठीक है, इन सब यूनिट्स में क्या होता है कि हिस्टिडीन अमाइनो रेसिड्यू होता है। तो इस हिस्टिडीन अमाइनो रेसिड्यू और ये जो हमारे बेंजोडायज़ेपिन है, इनका स्ट्रक्चर भी इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि ताकि ये इजीली जाके इन रिसेप्टर्स के सब यूनिट्स के साथ जाके अटैच हो जाए, ठीक है, और हिस्टिडीन रेसिड्यू के साथ जाके ये अपना शो इफेक्ट शो करें, ठीक है। तो आप इसकी इस तरह के से इसके मैकेनिज्म को भी देख सकते हैं, तो आपके लिए इसका एसएआर जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि एसएआर के अंदर भी हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि किस तरह से ये ग्रुप्स की ओरिएंटेशन है और किस तरह से ये फिर हिस्टिडीन रेसिड्यू के साथ जाके उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं या उसके साथ जाके अटैच होते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 5 है, ये जो है इनके अंदर क्या होता है, हिस्टिडीन अमाइनो रेसिड्यू होता है। तो इस वजह से ये पोजीशंस जो हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अटैचमेंट ऑफ बेंजोडायज़ेपिन्स। तो और अगर आप दूसरे सब यूनिट्स देखें अल्फा 4 एंड अल्फा 6, तो उनमें आर्जिनिन रेसिड्यू होता है। अब आर्जिनिन रेसिड्यू जो है वो उसके उसकी अटैचमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है, तो इस वजह से इन जो ये जो सब यूनिट्स है उसके गाबा रिसेप्टर के, इन पे ये इफेक्ट शो नहीं करते। तो दूसरा ये होता है कि ये जो ड्रग्स हैं ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल यानी ज्यादा इंटेंस केसेस में नहीं, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि क्या होता है कि बेसिकली इन्होंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। फॉर एग्जांपल जब भी आपको पता है कि एंजाइटी होती है या कोई भी डिप्रेशन है या टेंशन है, तो उसमें ज्यादा मस्कुलर स्पैज्म होता है, ठीक है, यानी आपके पट्टे खिंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर गर्दन के पट्टे हैं वो खिंच गए, तो ये क्या इन ड्रग्स ने क्या करना होता है कि इन्होंने उन जो वो जो कंस्ट्रिक्शन है मसल की उसको जाके रिलैक्स करना होता है, और इसी वजह से इनको इन ड्रग्स को रिकमेंड किया जाता है एट लो डोजेस, ठीक है, क्योंकि इसमें विदड्रॉल के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और दूसरा ये है कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं कि अगर आप ज्यादा देर तक इसको ड्रग को यूज करते हैं। तो बेसिकली ये ड्रग्स जो है ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं। तो आप इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी देख सकते हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसके अंदर जो है उसकी फार्माकोलॉजी थोड़ी सी देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपना एक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ लिब्रियम, तो लिब्रियम क्या है, लिब्रियम को हम जो है वो इसका केमिकल नेम, ये भी इसका जो सिंथेटिक नेम है उसको देते हैं कि क्लोरोडाइजेप्ट ऑक्साइड है, ठीक है, क्लोरोडाई, ये इधर लिखा भी हुआ है कि ये क्या है कि लिब्रियम जो है, दिस वाज द फर्स्ट डायबेंजोडायजेपिन व्हिच वाज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिडेशन, ठीक है। तो ये क्या है कि केमिकल, इसको केमिकली हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, या आप इसका केमिकल, ये इसके दो स्टेप्स हैं, और इसका केमिकल नेम आप इसको कैसे